तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान निकल शानदार 70 दिन कंप्लीट करके यानी थर्ड सैटरडे कंप्लीट करके आज 18वें दिन में एंट्री मार ली है, यानी थर्ड संडे में एंट्री मार ली है। और आज जवान का वो ख्वाब पूरा हो जाएगा जिसकी बात पिछले 2 या 3 महीने से चल रही थी कि आज सभी को वो जवाब मिल जाएगा जो रोज़ ये कहते थे कि जवान 1000 करोड़ कब कंप्लीट करेगी। और कुछ के मुंह में तमाचा भी मिलेगा कि ये जो कह रहे थे कि 1000 करोड़ ये कर ही नहीं पाएगी। दोस्तों 18 दिन में ही आज एक नहीं 2 रिकॉर्ड अपने नाम करके ले जाएगी। एक तो 1000 करोड़ कंप्लीट कर ही जाएगी, दूसरा आपको वीडियो के आगे में पता लग ही जाना है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल कैसी ग्रोथ थी, आज कैसी ग्रोथ चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान ने, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे एंड ही इज द ऑल्सो ग्लोबल स्टार एंड ही प्रूव्ड इट। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त भी जैसे दिग्गज स्टार आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नयनतारा ने द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, कंधे से कंधा मिला के काम किया है। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट में भी आपको 4 चांद लगाते हुए सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे एंड विलेन विजय सेतुपति सुपर फैंटास्टिक। मैं कहूंगा अकेला बंदा ये भारी पड़ा है पूरे SR के मल्टीपल रोल्स पर। कॉन्टेंट इन सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर बात जबरदस्त तरीके से उठाई गई है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, पहले दिन से आज 18वें दिन तक कैसी ग्रोथ रही है। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया था 130 करोड़ के आसपास और इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते करते मूवी ने फर्स्ट वीक में ही सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ की कमाई करी थी और टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 369 करोड़, और पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते 660 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। इसी के साथ सेकंड वीक की भी शुरुआत जबरदस्त तरीके से करी और 8वें, 9वें और 10वें दिन में सॉलिड ग्रोथ करते हुए पहले 10 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से 396 करोड़, ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ और पूरी दुनिया से पहले 10 दिन में ही 812 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था मूवी ने। इसी के साथ 11वें दिन सेकंड संडे का फुल फायदा उठाते हुए अगेन जबरदस्त कमाई करी और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में ही कितना कमाया, 859 करोड़ के आसपास का जबरदस्त ह्यूज कलेक्शन करा था, रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। इसके बाद 12वें और 13वें दिन में वर्किंग डेज होने के कारण ग्रोथ में डिप देखने को मिला, ग्रोथ स्लो रही। इसके बाद 14वें दिन यानी सेकंड वीक अपना कंप्लीट करते करते मूवी ने अमेजिंग ग्रोथ तो करी ही करी, उसका पहले 2 हफ्ते में ही ये सिर्फ मतलब पहले 14 दिन में ही सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी और पहले 2 हफ्ते में ही तमिल तेलुगु से 54 करोड़ के कलेक्शन को ये अपने नाम कर चुकी थी जवान मूवी। इसी के साथ पहले 2 हफ्ते में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से 300 करोड़ पहले 2 हफ्ते में लेके आ चुकी थी और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 2 हफ्ते में ही 922 करोड़ के मार्वलस एंड ह्यूज आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। इसी के साथ 15वें और 16वें दिन में भी वर्किंग डेज होने के कारण ग्रोथ में फिर डिप देखने को मिली, ग्रोथ फिर स्लो रही और 2 दिन में ही 15वें 16वें दिन में ही सिर्फ हिंदी से मूवी 14.35 करोड़ की कमाई करी और नेट इंडियन कलेक्शन से 15.65 करोड़ का कलेक्शन किया था 15वें और 16वें दिन में। बात करें कल यानी सैटरडे की ग्रोथ कैसी रही थी, कल 17th डे में मूवी ने क्या धमाल मचाया है, एवरेज ग्रोथ रही। कल भी डिप देखने को मिला क्योंकि गदर 2 अभी भी जबरदस्त टक्कर दे रही है भाई, मान गए गदर को लोग दिल से प्यार दे रहे हैं, खुल के प्यार दे रहे हैं और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ने भी सोच खाए हैं, बहुत सोच खाए हैं। जैसे कि सैटरडे में मूवी को बहुत अच्छी ग्रोथ करनी थी लेकिन नहीं मिली वो ग्रोथ, क्योंकि सोच इतने नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत से सोच गदर 2 के पास है, बहुत से सोच विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन मूवी के पास है, तो जवान के पास उतनी खैर सोच है नहीं, लेकिन जितने भी सोच हैं इसने बहुत सॉलिड कमाई करी है, सॉलिड ग्रोथ करी है, मतलब कम में ही बहुत ज़्यादा आंकड़ा दिया है और कई जगह हमें हाउसफुल का नज़ारा मंजर देखने को मिला था। तो सिर्फ हिंदी से कल आया है 12 करोड़ और ऑल इंडिया नेट से आया है 13 करोड़ और क्रॉस से लगभग आया है 16 करोड़ के आसपास और कल पूरी दुनिया से ये मूवी 26 करोड़ के आंकड़े को करते नजर आई थी। इट मींस ये कि ओवरसीज से 10 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी लेके आई थी। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 17 दिन में ये मूवी 492 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी और पहले 17 दिन में ही नेट कलेक्शन 549 करोड़ के आंकड़े को टच कर गई थी एंड ऑफ द डे तक, कल एंड ऑफ द डे तक, और पूरी दुनिया से 980 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। तो कल जहां तक बहुत से लोगों की उम्मीद थी, खुद मेरी प्रिडिक्शन थी, मैं भी मान के चल रहा था कि कल सैटरडे एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 1000 करोड़ टच कर लेगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त मिल रहा था। इस वजह से
आज, लेकिन आज संडे है और संडे में ये मूवी आज 1000 करोड़ कंप्लीट करके जाएगी, डेफिनेटली गारंटीड। तो बात करते हैं आज यानी डे 18 में कैसी ग्रोथ है। अमेजिंग ग्रोथ तो है ही है, लेकिन आज भी उतनी सॉलिड ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है, आज भी उन्हीं दोनों फिल्मों से कॉम्पिटिशन मिल रहा है, गदर 2 और द ग्रेट इंडियन फैमिली से। तो स्लो है, एवरेज है। संडे में जैसी ग्रोथ होनी चाहिए मूवी की, वैसी ग्रोथ नहीं है। एक वर्किंग डेज के हिसाब से देखें तो उस टाइप से थोड़ा सा अबव एवरेज है। तो ओवरऑल 20-25% की ऑक्यूपेंसी के साथ इवनिंग और नाइट में कुछ हाउसफुल बैनर के साथ मूवी ट्रेंड तो कर रही है। दूसरी तरफ विकी कौशल की मूवी ने सोच खाए ही खाए हैं, गदर 2 ने भी सोच खाए हैं। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 14 करोड़ की कमाई करते दिख रही, जिसमें सिर्फ हिंदी से आज 13 करोड़ का आंकड़ा आता दिख रहा है और पूरी दुनिया से 26 करोड़ की कमाई करते दिख रही है मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 18 दिन में ही मूवी 505 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम कर लेगी। तो ये था जो दूसरा रिकॉर्ड, जो मैं आपसे पहले इंट्रो में बोला था कि आज 2 अचीवमेंट जवान अपने नाम कर लेगी। एक तो 1000 करोड़ ये तो करेगी ही करेगी, दूसरा सिर्फ हिंदी से ये मूवी आज 500 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को, मार्वलस ग्रोथ को अपने नाम कर लेगी। सिर्फ 18 दिन में ही 2 जाइंट रिकॉर्ड को अपने नाम करेगी मूवी। भाई जबरदस्त है, मजेदार है मैं कहूंगा। इसी के साथ पहले 18 ही दिनों में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 563 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और पूरी दुनिया से जवान एंड ऑफ द डे तक 1000 करोड़ टच करके, 1000 करोड़ क्रॉस करके 1006 करोड़ का कंप्लीट आंकड़ा अपने नाम कर लेगी। अमेजिंग ग्रोथ। और कल डे 17 की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है और जब भी रिपोर्ट आएगी तो उस पर एक नई वीडियो बना दी जाएगी। तो हो सकता है मे बी ये आंकड़ा जो अभी दिख रहा है 1006 करोड़ का पूरी दुनिया से, ये मे बी 1010 करोड़ पहुंच जाए, 1000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है। तो मूवी आज 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, नो डाउट। इसके लिए क्वेश्चन पुटअप करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पुटअप ये करते हैं कि 1200 करोड़ ये मूवी कब कंप्लीट कर पाएगी, क्या 1200 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कर पाएगी, और KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को जो 1250 या फिर 1300 करोड़ का है उसको ये बीट डाउन कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।